हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। आज आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा है और मेरे लाला लाली कुछ बाहर भी गए थे, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ। मेरे लाला लाली का सुबह का जो बाल भोग है वो लग चुका है, दूध वगैरह मैंने हटा दिया है। तो चलिए जल्दी से आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। बड़े सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है, आता रहता है कि गर्मियां चल रही हैं, सेवा कैसे करनी है, क्या लाला को भोग लगाना है, कैसे लाला को भोग लगाना है, क्या सेवा करनी है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल किस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरी बोल। लाली को, मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को, लाडली को रिझाने के लिए उनके सेवादार, उनकी मैया, कोई भी ऐसा जो कहते हैं ना कि कार्य नहीं होता है जो वो लोग नहीं करती हैं उनको रिझाने के लिए, कि लाला ऐसे में प्रसन्न हो जाए, लाला का आज ये खाने का मन है, आज कुछ ऐसा खिला देते हैं, आज कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मेरा प्यारा लाला रीझ जाए, लाला मेरा प्रसन्न हो जाए। अब बात आती है, चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, सेवा आपको लाला लाली की कैसे करनी है ये तो मैं बताती रहती हूँ, लेकिन मेरा प्यारा लाला किस सेवा से प्रसन्न होता है आज मैं आपके साथ में वो शेयर करूँगी। अब आप ये सोचिए कि मेरा प्यारा लाला है छोटा सा नटखट सा, बड़ा शरारती है। पहली बात तो आ जाती है कि लाला को आपने उनके साथ में संबंध क्या बनाया है। मैं हमेशा कहती हूँ लड्डू गोपाल के साथ में, प्रभु के साथ में, मेरी प्यारी श्यामा श्याम के साथ में एक रिश्ता अवश्य बनाइए कि आप उनको किस भाव से पूज रहे हैं। आप उनको पुत्र भाव से पूज रहे हैं, आप उनको सखी सखा के भाव में पूज रहे हैं, आप उनको छोटे से नटखट से अपने प्यारे लाला पुत्र के रूप में पूज रहे हैं, या आप उनको माता पिता के रूप में पूज रहे हैं। अब बात आती है कि लाला किस सेवा से प्रसन्न होता है। तो भाई, जैसे आपके छोटे से प्यारे से जो बालक हैं, बालिका हैं आपके अपने घर पे, तो आप उनकी कैसे सेवा करते हो, आपको कैसे पता लग जाता है कि इस समय मेरे जो पुत्र है उसको ये चाहिए, इतने समय उनको ये भूख लगी है, इस समय हमें उनको ये खिलाना है, ऐसा करना है, ये कर दें, ऐसे नहला दें, ये खिलौना रख दें। तो बस मेरे लाला को भी यही चाहिए, मेरे लाला को 56 भोग नहीं चाहिए। मेरा लाला ये नहीं कहता है कि आप मेरे पास ढेरों खिलौने रखो, 56 भोग रखो, लाला को बस प्रेम चाहिए। आप जिस प्रकार से अपने घर में अपने छोटे पुत्र की सेवा करते हैं, आपसे लाला उसी सेवा चाहता है, वैसी ही सेवा चाहता है, उसी प्रकार की सेवा वो चाहते हैं कि मेरी मैया मेरी भी सेवा उसी प्रकार से करे। जैसे आप अपने पुत्र को स्नान कराते हो, आपको समय पता है कि इस समय आपको स्नान कराना है, इस समय आपको अपने पुत्र को ये खिलाना है, नाश्ता कराना है, ये उनका दूध का समय है, बिल्कुल इसी प्रकार से लाला भी आपकी सेवा से रीझते हैं। जब आप उनको, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, एक मर्यादा में रह के लाला लाली की सेवा पूजन करिए, चाहे संबंध पुत्र का हो या संबंध माता पिता का, सखी सखा का हो, क्योंकि मेरे लाला लाली बहुत दयालु हैं, उन्होंने अपना बाल स्वरूप ही मेरे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता ने भक्तों से लाड पाने के लिए किया है। ठीक है, तो अब मर्यादा में रह के आपको लाला को प्रेम करना है, आपको लाला को लाड लड़ाना है। बहुत सारे लोगों के मैं वीडियोस देख रही हूँ, देखती हूँ, बहुत शब्द भी नहीं है कि वो मर्यादाओं का भी नहीं,
लिहाज करते हैं कि मैं मानती हूँ आप उनको अपना छोटा भाई मानते हो, आप उनको अपना पुत्र के रूप में लाला लाली की सेवा कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाला को इस प्रकार से बिस्तर पे, आप अपने ही बिस्तर पे लिटा करके उनको इस प्रकार से आप खिला रहे हो, उनको इस प्रकार से आप आलिंगन कर रहे हो कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि लाला लाली बाल स्वरूप है, आप उनको लाड लड़ाइए लेकिन एक मर्यादा में रह। फिर बात आ जाती है कि लाला को इस प्रकार की सेवा बिल्कुल भी वो नहीं कहते कि आप उनके सेवा में ही दिन रात लगे रहे। चिंतन, आप सबसे जो अहम बात आती है चिंतन की, आपकी जो सबसे अहम पूजा से लाला प्रसन्न होता है वो होता है मानसिक सेवा से लाला प्रसन्न होते हैं, चिंतन से प्रसन्न होते हैं कि कहीं मेरे लाला को घर, आपने लाख कूलर लगा दिया है, लाख एसी लगा दिया है, लेकिन फिर भी आपको चिंता है कहीं मेरे लाला को ठंड तो नहीं लग रही है, अब बिल्कुल हवा सीधी लग रही है, कहीं ठंड तो नहीं लग रही है, कहीं लाला को गर्मी तो नहीं लग रही है, केवल एक फ़ैन चल रहा है, अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, अब मैं लाला के पास कूलर बंद कर देती हूँ। चिंतन करिए, प्रेम से लाला रिझेंगे। लड्डू गोपाल ऐसी सेवा से प्रसन्न होते हैं, सरल सेवा से प्रसन्न होते हैं। लाला ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप उनकी सेवा के लिए, जो लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है कि इतने बजे ही आपको लाला को जगा देना है, इतने ही बजे आपको लाला को ये भोग लगा देना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समय बिल्कुल बनाइए, लाला का समय बिल्कुल निर्धारित करिए हर चीज़ का, कि आप स्वयं का समय निर्धारित करिए। लेकिन कठिन, बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा मत बनाइए कि आप उसको ना निभा पाए, फिर आपको सेवा पूजन बोझ लगने लगे। स्पष्ट, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करती हूँ, कहती हूँ कि फिर आप लोगों को ऐसा ना लगने लगे कि अरे मैंने तो ये समय सोचा था, इस समय तो कुछ हो ही नहीं पाया, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो आपका भी मन खराब हो, ऐसा ना करें, ठीक है। लाला लाली बहुत ही सरल पूजन से रीझते हैं, उनको पूजन के साथ साथ, उनको ये नहीं है कि आप उनको 56 भोग लगाइए, 50 खिलौने रख दीजिए और आप उनको लाड़ी नहीं लड़ा रहे हो, बस आपने भोग लगाया चले गए, आपने उनको उनके पास में इतने खिलौने रख दिए, नहीं। लाला रीझते हैं आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपकी चिंतन से, आपके मानसिक सेवा से। आप इस प्रकार से सेवा करिए लाला की कि आपको पता चले कि इस समय लाला को मेरे भूख लगी होगी, आपको स्वयं से ही पता लगने लगेगा कि इस समय मेरे लाला को भूख लगी होगी, अब मैं लाला को स्नान करा देती हूँ, अब मैं लाला को जल पिला देती हूँ, अब मैं लाला को उनके वस्त्र बदल देती हूँ, कहीं लाला को गर्मी ना लग रही हो। इस प्रकार की सेवा से लाला रिझते हैं। आशा करती हूँ कठिन कोई भी नियम ना बनाइए, लाला लाली की सेवा में मगन मस्त रहिए, मेरी लाडो का नाम जप करिए, मेरे कन्हैया का नाम जप करिए, राधा 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 जपते रहिए। सबसे बड़ा लाला जो रीझते हैं ना, वो तो रीझते हैं मैं अपनी श्यामा के, मेरी लाडो के नाम से। उनके साथ खेलिए, राधा राधा लिखवाइए, उनके साथ खेलिए तो राधा 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 राधा, उनको भोग लगाइए तो राधा 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 राधा। आप जब लाडो का मेरे नाम लेंगे ना, राधे 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 राधे, तो मेरा कन्हैया, मेरा लाला, मेरी लाडो, तो आप पे इतना प्रेम, इतना आनंद आपको भक्ति में आएगा ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। कुछ ना मांगिए लाला लाली से, बस उनका प्रेम और उनकी की भक्ति मानिए। और जब मेरी लाडो की सेवा करिए तो कन्हैया 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 पुकारिए, फिर देखिए श्यामा श्याम का असीम प्रेम और आशीर्वाद आप पे बरसेगा। वीडियो, और हाँ, जिस प्रकार से आप अपने पुत्र पुत्री को तैयार करते हैं सुंदर तरीके से, आप उनके लिए चाहते हैं कि अपने हाथों से कुछ बनाएं, इसी प्रकार से लाला के लिए ज़रूर वस्त्र बनाइए, स्वयं से वस्त्र बनाइए। जैसा भी बने, खराब बने, हो सकता है डिज़ाइन अच्छी ना बने, आपको घेर कम लगे, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास करिए लाला लाली बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप उनको अपने हाथों से वस्त्र बना के पहनाते हो। आप उनके लिए माला बनाइए, आप उनके लिए वस्त्र बनाइए, आप उनके लिए छोटे छोटे मुकुट बनाइए। विश्वास करिए मेरे लाला लाली तो बस ऐसे ही इसी सेवा से प्रसन्न होते हैं, उनको किसी भी 56 भोग या बहुत महंगे आभूषणों से नहीं, वो तो आपके प्रेम से रीझते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी प्रश्न है तो अवश्य पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल, हरी हरी।
बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।